Please subscribe to Kids Zone YouTube channel for more fun kids content and don't forget to press the bell icon to never miss an update. The Burnt Forest Mystery. Yes! मेरी गलती खाया! Hooray! I did it! Oh, Tig! मेरी तरफ मत देखो इस तरह! गलती इनकी है! क्या इन्हें rules नहीं मालूम? Ride नहीं ले सकते खेलते हुए! Hello! खेल रहे हो तुम लोग? मैं भी खेलूं? मैं मीला की टीम में हूँ। बिल्कुल नहीं, हम लोग दो और तुम लोग तीन, ऐसे नहीं खेला जा सकता। इट्स ओके टेक, उसे खेलने दो, हम मार्टिन को ले लेते हैं, वो रही वो वहाँ। जाता चुकी पे कैसा है ये शोर, लौटाएंगी मार्ट्रिक, कम जॉइन अस। नहीं, मैं नहीं खेल सकता, मुझे बहुत सारे कॉन्स जमा करने हैं। इतनी सारी पाइन कॉन्स की क्या जरूरत है? Well, ये एक बहुत ही अहम काम है। हाँ, चलो आप कुछ दिखाता हूँ। ये वो जगह है जहाँ पाइन सकते हैं, लेकिन ये सब जल गया है। ये दरख्त भी जल गया, हर चीज तबाह हो गई। हाँ, लाल हिरन ने किसी को नहीं छोड़ा। ये होम ट्री है, मेरा होम ट्री। देखो क्या हो गया, कुछ बाकी न रहा, छा गया है अंधेरा, कोई न जाने कब हो सवेरा। ये दरख्त गाता भी था। ये सच है, मैंने कई बार ये आवाज सुनी है। तुम्हें इतने सारे पाइन कॉन्स की क्या जरूरत? क्या मतलब है? मुझे इसके सीड्स चाहिए। मैं पाइन कॉन्स जमा करके सीड्स निकालूंगा और हर जगह इन्हें उगाऊंगा। ये बात पहले बताते ना तुम। ये दरख्त के गाना गाने की कहानी का क्या मतलब था? चलो क्यूबा, हम लोग जाकर खुदाई करते हैं ताकि दरख्त लगा सके। टेक वेट,
जानते हो इन्हें दरख्त बनने में कितना वक्त लगेगा? A century. इन्हें जल्द ग्रो करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। नहीं, इसे जल्दी उगाने का तरीका नहीं है। हाँ, अरे इस बात पर मुझे खास दरख्त की कहानी याद आ गई। टाइगा का वो लाल हिरन याद है तुम्हें? वो हिरन टाइगा में एक बार फिर लौट आया था, बहुत गुस्से में। उसने पूरे जंगल में आग लगा दी। हो हो हो, आग इतनी खौफनाक थी कि स्पिरिट ऑफ टाइगा खुद भी डर गए और जाकर टाइगा के सबसे बड़े और खास दरख्त में लगी कोल में छुप गए। फिर दरख्त ने स्पिरिट ऑफ टाइगा को लेकर और ऊंचा होना शुरू कर दिया। लाल हिरन ने बहुत कोशिश की वहां तक जाने की, लेकिन नहीं जा सका। हिरन के जाने के बाद दरख्त ने खोल दिया कौन को, फिर बहुत सारे बीज उसमें से आकर जमीन पर गिर गए। पता है फिर हुआ क्या? जंगल के सारे दरख्त जल्दी जल्दी बड़े होने लगे। उस कौन के अंदर दरअसल मौजूद थी स्पेशल पावर, द स्पिरिट ऑफ टाइगा की। उसके बाद से ये दरख्त यहीं पर है। इसे सब यहाँ का खास दरख्त कहते हैं, इसलिए कि इसी ने टाइगा को बचाया था। देखो जरा इसे, ऊंचा कितना है ये। मैं तो ये समझती थी इसे इसलिए खास कहा जाता है क्योंकि ये टाइगा का सबसे बड़ा दरख्त है, मगर अब पता चला कि इसने पूरे टाइगा को बचाया था। हमें किसी तरह भी सबसे ऊंची कोन तक पहुँचना होगा, क्या पता वही मैजिकल कोन हो। हम लोग आम बीज डालकर भी तो देख सकते हैं। क्या हुआ टेक, डर लग रहा है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है टेक, कम ऑन, हम इजीली चढ़ सकते हैं, हमारे पंजे कब काम आएंगे। और अगर ऊपर हवा ज्यादा तेज हुई तो? क्यों ना हम एक काम करें, हम लोग पत्थर मारते हैं और कौन को नीचे गिराते हैं। मार्टिन को देखो कहाँ जा रहा है। मैं बस पहुंच गया। अब आगे क्या करना है हमें लियो? हम सबसे ऊंचे दरख्त पर चढ़कर सीड्स को फैला देंगे उस कहानी की तरह, और इस तरह सीड्स हर जगह इजीली पहुंच जाएंगे। सबसे ऊंचा दरख्त तो वो है जिस पे मेरा घर है। ठीक, तुमने इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? ये तो बहुत खौफनाक है। क्योंकि ये पहले यहाँ नहीं था। ये शायद आग लगने की वजह से यहाँ आया होगा। देखा नहीं वो कितना काला था? हाँ मैंने भी देखा उसे, इसलिए अब उसका नाम है एश मॉन्स्टर। और वो यहाँ इसलिए आया है क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम मैजिक कॉर्न्स के बीजों को यहाँ लगाएं। फिर अब हम क्या करें? तो फिर उसको भगाते हैं, ऐसे फाइट करते हैं। नहीं, इतने बड़े मॉन्स्टर का हम इस तरह मुकाबला नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए मेरे पास एक और प्लान है। हे मॉन्स्टर, देखो मेरे पास क्या है, मैजिक पाइन कॉन। तुम्हें ये चाहिए तो आकर ले जाओ। मैजिक कॉन नहीं है, मैजिक कॉन तो मार्टिक के पास है। मार्टिक, गो ऑन। ये तो बहुत ऊंचा है। मार्टिक, संभल के। दिन फिर लौट आए हैं, नए सुख का आगाज हुआ है। डर
को दिल से निकालो, हम उड़ते जाएंगे। में गाएंगे देखेंगे हम कुछ जो मैंने तुम्हें सुनाया था, होगा ये मैजिकल वर्ल्ड। मार्टिक ने सही कहा था, ये वाकई गा रहा है। It's so beautiful. Hooray! Wow! Beautiful! हमने कर दिखाया ट्री। जंगल फिर से हरा भरा हो गया। Yes, a miracle. तो सबक ये मिला कि दरख्त लगाएं सब और इनसे प्यार करें। अच्छा भी अब सुनते हैं टिक की बात। और अगर आपके पास मैजिकल पाइन कॉर्न्स हो तो काम और भी आसान हो जाता है।